नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों की फसल का उत्पादन कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे करें और सरसों के फसल में तेल का प्रतिशत 50% कैसे पहुँचे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सरसों की फसल में 30-35% मात्र तेल पड़ता है और खली मिलती है, लेकिन कुछ उपचार, कुछ तकनीकी खेती और तकनीकी विधि के अनुसार आपका लागत कम से कम लगेगा और आपका उत्पादन और तेल का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। गारंटेड है कि 45-50% तेल पड़ेगा, लेकिन आपको यह विधि अपनाना होगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सरसों के जो तेल में पीलापन होता है और जो इसमें से आपको कड़वापन झाग आता है, और सल्फर के कारण, गंधक के कारण होता है, और सभी लोग सरसों की फसल में देखा जाता है कि जब पहली यूरिया का बुरकाव करते हैं तो उसमें 1 किलो पर बीघा की दर से सल्फर मिलाकर आप उसमें डालते हैं। जैसा कि सभी किसान जानते हैं कि सल्फर डालने से फसलें अच्छी होती हैं, पीलापन नहीं रहता है, टिलरिंग अच्छी होती है, स्वस्थ होती है और उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन किसान भाइयों, यह बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जैसा कि पशुओं में जब पशु ब्याने के बाद भैंस लगाते हैं, गाय लगाते हैं, दूध निकालते हैं, लेकिन कभी बच्चा मर जाता है तो हम लोग ऑक्सीटोसिन का सुई लगाकर, इंजेक्शन लगा कर ज़बरदस्ती 440 वोल्ट पर दूध निकालते हैं। यह बहुत उसके नियमों के खिलाफ है, गलत तरीका है। लेकिन कब तक दूध निकालेंगे ज़बरदस्ती? भैंस और गाय बेकार हो जाएंगे, एक समय आएगा दूध देना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, रोग से ग्रसित हो जाएंगी। उसी समय हम अलग से सल्फर के यूरिया में मिला कर डालने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, तो आप को एक ऐसी जैविक प्रकार की खाद के बारे में बताना चाहते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है और तेल का उत्पादन और सरसों का उत्पादन बहुत बेहतर और डबल हो सकता है। तो उसका नाम है जिप्सम। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग माटी के नाम से जाते हैं, जिसको कहते हैं जिप्सम सल्फेट, जो यह पूरे देश के समस्त राज्य की कृषि बीज भंडार पर, सरकारी संस्थाओं पर उपलब्ध होता है। जिप्सम के नाम पर, माटी के नाम पर मिलता है, जिसमें इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। तो पहली बात ध्यान देना यह है कि जब यह ज़मीन में डालेंगे तो जो आपकी शरीर में सोडियम बढ़ रहे हैं, ज़मीन ऊसर बंजर हो रही है, कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ेगी तो मिट्टी जो कड़ापन है भुरभुरी होगा, हल्की मिट्टी होगी, ढेंके कम बनेंगे, जुताई पर मिट्टी अच्छी एकदम मक्खन की तरह मिट्टी बनेगी। और दूसरा सल्फर, जैसा कि आप 1 बीघे में 1 किलो सल्फर डालते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं कि 1 क्विंटल जिप्सम में आपको 18% सल्फर मिलता है, यानी कि आप अगर 2 क्विंटल यानी 4 बोरी 1 बीघे में यूज कर रहे हैं तो सरसों के लिए स्पेशली, तो आपको 18 × 36 किलो सल्फर मिलेगा, जो कि खेत में भरपूर सल्फर की मात्रा प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बढ़ेगी और आपकी फसल का उत्पादन बहुत बेहतर होगा। और जो ज़मीन का कड़वापन, मिट्टी कड़ी हो गई है, जो कैल्शियम है मिट्टी को भुरभुरी बना देगा, ऊसर बंजर से बचा देगी और आपकी फसल का जो उत्पादन है वो लगभग डबल हो जाएगा। और तेल का उत्पादन जो 30% है वह बढ़कर 45-50% हो जाएगा। कई किसानों ने प्रयोग किया और बेहतर रिजल्ट मिला, अवा के फीडबैक भी बताए कि सर इससे अच्छा सरसों की फसल में रामबाण खाद के रूप में कोई चीज़ें नहीं हो सकती। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सरसों की फसल में बुआई के पहले, पलेवा के बाद, खेत का पलेवा के बाद आप इस जिप्सम का पूरे खेत में बिखेर दीजिए, फिर जुताई करिए और जुताई के बाद आप सीड ड्रिल से बुआई करिए। या दूसरा तरीका, आप खेत की जुताई कर लीजिए, बीज और जिप्सम को मिलाकर सीड ड्रिल मशीन में भरकर इसकी बुआई कर दीजिए। विश्वास मानिए, इस खेत में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कम से कम पैसे में यह खाद प्राप्त होती है, जिस पर पूरे देश में 75% का अनुदान भी है। आप सरकारी संस्थाओं से लेंगे तो आपको 75% का छूट मिल जाएगा, मात्र 25% में आपको लाभ मिलेगा।
और इसका पैसा भी बहुत कम लगता है, तो इसका प्रयोग करिए सरसों की फसलों में, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, उत्पादन डबल होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आप सरसों की फसल में जिप्सम का अवश्य प्रयोग करेंगे।